हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि 26 मार्च चैत्र नवरात्रि के दिन ब्रह्मचारिणी देवी जी की पूजा की जाएंगे और इस संदर्भ में मिथुन राशि वाले जातकों का नसीब चमकने वाला है। आपको आपके जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलने वाली है। आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकोगे। पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगियों से आपको छुटकारा मिलने वाले हैं और विशेष रूप से माँ दुर्गा की आराधना करके आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकोगे। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप आर्थिक मामलों में उचित योजना बना सकोगे और अन्य लोगों की सहायता करने का पर्याप्त कर सकोगे। व्यापार में आपको लाभ की प्राप्ति होंगे और आपके नज़दीकी संबंधों से आपके मेल जोल बढ़ने वाले हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक में नए अवसरों की प्राप्ति होंगे। पुरानी कानूनी मामले को आप आसानी से निपटा सकोगे। आप लोगों के घर में कोई नया मेहमान आ सकते हैं जिनसे आप लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मिल सकेंगे और आने वाले समय में आप अपने आप को बेहतरीन साबित कर सकोगे जिनसे परिवार वाले आप पर गर्व महसूस करेंगे। अचानक आपको आपके जीवन में नई खुशखबरी मिलेंगे और जीवन के सभी प्रकार के दुखों का अंत हो सकेंगे। आपको सोच समझ कर अपने कार्य को करने होंगे। सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करके शुरू किया गया कार्य आपके लिए सफल रहेंगे। इनकम के क्षेत्र में लगातार वृद्धि होंगे और आपके अधूरी मनोकामनाएं पूरी हो सकेंगे। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि किस्मत का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है और आपको धन कमाने के नए नए मौके मिलेंगे। फालतू के खर्चों से राहत मिलेंगे। जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल सकेंगे और आपके घर परिवार में धन दौलत यश कीर्ति में वृद्धि होंगे। पारिवारिक जीवन सुख में रहेंगे। आपके दिमाग में बड़ी बड़ी योजनाएं आ सकेंगे और घर परिवार का माहौल बेहतर बना रहेंगे। आपको अपने परिस्थितियों में कुछ बड़े सुधार करने का मौका मिल सकेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको बहुत ही जल्द बड़ी कामयाबी मिलेंगे। आने वाला समय आपके लिए खुशियों के सौगात लेकर आने वाला है और आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलने वाले हैं। आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की होंगे। वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत होंगे और पति पत्नी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकेंगे। आप लोग अपने जीवन में कई सारे सुनहरे पलों के प्राप्ति करने वाले हैं तथा मिथुन राशि वाले लोगों के कार्य में वृद्धि होंगे। आवश्यकता का स्तर बढ़ेंगे। बड़े अवसरों का सहयोग मिलेंगे। आपको अपनी ओर से बेहतर प्रयास निश्चित रूप से करने होंगे। आपको बताना चाहेंगे कि पैसों से जुड़े आर्थिक तंगियों से छुटकारा मिलेंगे और आप लोगों के शुभ दिनों की शुरुआत होने वाली है। माता रानी के आशीर्वाद से इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी होंगे। नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। मन की कोई पुरानी चिंता दूर होंगे। आपके परिवार में पैसों से जुड़े सभी समस्याएं समाप्त होंगे। प्रतियोगिता के माध्यम से नौकरी की तलाश करने वाले जातकों को सफलता मिल सकेंगे। संतान पक्ष की ओर से बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। व्यापार में आपको अचानक से धन लाभ हो सकेंगे और कई तरह के नए नए विचार आपके मन में चलते आ रहे हैं। आय के संसाधनों में और मजबूती आ सकेंगे। आपको कुछ अनुभवी लोगों के साथ मिलने जुलने का मौका मिल सकेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि शाम को आप अपने पति पत्नी के साथ मूवी या डिनर करने का प्लान बना सकोगे। आप अपने लाभकारी योजनाओं को बनाने के लिए काफ़ी सक्षम रहेंगे। नए प्रोजेक्ट और योजनाओं को बना सकोगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी।